जितने जितने बड़े लीडर हैं ना, जो जो बड़े बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप को, वो कभी नहीं चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आप उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो नौजवान बड़े नेताओं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और एक दूसरे से लड़ जाते हैं? आज ही फेसबुक में मैंने एक पोस्ट देखा कि मैं ऑन द कैमरा उस पोस्ट को पढ़ नहीं सकता, एक पोस्ट देखा जो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, तो आप सोच सकते हैं कि कौन से शब्दों का उच्चारण किया गया है। हम यही यहाँ के नौजवानों से और यहाँ के भाइयों से मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपको किसी का झंडा धो करके अभी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने। किसी का पीछे आप नाराबाजी करते रहेंगे, जिंदगी आपका बीत जाएगा, वक्त आपका आने पर वो हाथ खड़े करेंगे। वो हाथ जी, आज हम दूसरे का झंडा धो रहे हैं, आज हम दूसरे के पीछे घूम रहे, क्या मेरे क्या मिला हमको। मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ नगर परिषद के सारे जनताओं से, सारे मेरे माँ बहनों और भाइयों साथियों से, कि हम हारे नहीं है, मुझे हराया गया है। 2024 के लिए कौन सा वो चेहरा जो किशनगंज के लिए ठीक हो? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा चेहरा ठीक होगा, लेकिन मैं तो कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं हारा हूं। मैं यही कहूंगा कि मुझे हराया गया है। ऐसे निकला हूं एक मोहब्बत के सफ़र में। मैं यकीन दिला देना चाहता हूं कि चाहे मेरे इसके लिए जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे धमकियां भी आ रहा था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज हमारे बीच इम्तियाज नसर साहब है, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। किशनगंज चेयरमैन सीट को लेकर ये चुनाव लड़ रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले इन्हें बताया गया था कि आपकी जीत हो गई, उसके बाद फिर इन्हें हरा दिया गया, फिर ये हार गए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इम्तियाज नसर साहब से बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है, खैर मकदम करते हैं हम जी। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, KDB लाइव में आज पहली बार आपके स्टूडियो में मुझे मौका मिला बोलने का और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं KDB लाइव और आपको तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिए। पहले घोषणा होती है कि आप चुनाव जीत गए हैं, फिर उसके बाद आपको हरा दिया जाता है, कैसा लग रहा है जी? देखिए, ये तो सारे साजिश रची है मेरे साथ। एक नौजवान का इमोशनल के साथ खेला है, एक गरीब का बेटा के इमोशनल के साथ खेला है। देखिए, सारे बड़े बड़े अधिकारी लोग बिक गए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मुझे जीत करार दे दिया गया था 2270 वोट से, लेकिन काउंट कंप्लीट होने के बाद मुझे कहा गया कि आप विजय हो गए हैं और थोड़ी देर बाद आपको लेटर दिया जाएगा। तो मैंने लेटर का इंतज़ार किया, लेकिन जब उस टाइम SDM साहब ये भी कहे थे कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन को एक साथ देंगे, और मैंने दोनों ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब वाइस चेयरमैन को दिया, मुझे नहीं दिया गया चेयरमैन को, और उसी टाइम मुझे शक हुआ थोड़ा सा, तो मैं तुरंत अपील किया कि आप वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को एक साथ देने वाले थे, लेकिन आप वाइस चेयरमैन को दे दिए, चेयरमैन को क्यों नहीं दिए? तब मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ा रीचेकिंग हो रहा है, रीचेकिंग। अब उस टाइम हमको बोला जा रहा, हम तुरंत एप्लीकेशन लिखे, रिकाउंटिंग का अपील किए, तो मुझे रिकाउंटिंग का मेरा एक्सेप्ट नहीं किया, बोला कि और कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले अभी अनाउंस नहीं हुआ, अभी रिकाउंटिंग नहीं हो सकता तो कब हो सकता है? उसके बाद जो मुझे साजिश के तौर पर हराया गया, वो डायरेक्ट उस टाइम वो थे भी नहीं, वो बाहर से आ रहे हैं पूरे स्वागत के साथ कि हम जीते हुए हैं, जीत गए हैं। डायरेक्ट आके आने के बाद देखें, अधिकारी लोग घोषणा कर रहे हैं कि 37 वोटों से इंद्रदेव पासवान जीत गए हैं, छोटेलाल निशी हार गए हैं। 2270 वोट बहुत बड़ा आंकड़ा है जी, और अगर उसमें कम होता है कि 100-150 से आपकी जीत हुई होगी, उसके बाद उसमें चांस रहता है। जाहिर सी बात है, 2270 वोट से जीत देने के बाद इतना बड़ा हेराफेरी नहीं हो सकता है, कुछ तो जालसाजी है जो समझ में भी आ रहा है। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर के जो यहाँ के सीनियर लीडर है, क्या आपने किसी से मदद नहीं मांगी? जी, यहाँ के हम बताना चाहेंगे, यहाँ हमारे किशनगंज तो छोड़ो, सीमांचल में हम कोई ऐसे नेता नहीं है जिससे हम मदद नहीं मांगे। सभी को मैंने फ़ोन करके अपील किया कि सर, एक गरीब का बेटा के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, एक नौजवान के साथ अन्याय हो रहा है, हमको मदद की ज़रूरत है आप लोगों की। लेकिन शायद वो लोग ने रिस्पॉन्स नहीं लिए मेरे बातों पर, और मुझे अंजाम बस महागठबंधन की जब सरकार बन रही थी तो सीमांचल में खुशियां मनाया गया था जी, और सीमांचल के लोग बड़े उत्साह में थे। क्या इसी दिन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जितने हम सीधा कहना चाहेंगे कि जितने जितने बड़े लीडर हैं ना, जो जो बड़े बड़े नेता कहलाते हैं अपने आप को, वो कभी नहीं चाहते हैं कि नौजवान आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। तो आज अगर गरीब का बेटा आगे बढ़ जाएगा, नौजवान आगे बढ़ जाएगा, तो वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग को खुशी होना चाहिए कि हमारे समाज में एक शिक्षित नौजवान आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो लोग का सोच ये है कि ये गरीब का बेटा, ये नौजवान आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जैसा साहब कह रहे हैं कि कोई भी बड़े लीडर ये नहीं चाहता है कि कोई भी नौजवान जो कि गरीब है, जुझारू है,
वो आगे बढ़े। आप उन नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो नौजवान बड़े नेताओं के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और एक दूसरे से लड़ जाते हैं? आज ही फेसबुक में मैंने एक पोस्ट देखा कि मैं ऑन द कैमरा उस पोस्ट को पढ़ नहीं सकता, एक पोस्ट देखा जो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, तो आप सोच सकते हैं कि कौन से शब्दों का उच्चारण किया गया होगा कि जो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमेशा नेताओं के पीछे रहते हैं? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए मेरा मकसद था, मैं छात्र नेता से उभरा हूँ और शुरुआत में साथ छात्र राजनीतिक से स्टार्ट करूँ, अभी भी छात्र नेता ही हूँ, और हम यही यहाँ के नौजवानों से और यहाँ के भाइयों से मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आपको किसी का झंडा धो करके अभी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। किसी का पीछे आप नाराबाजी करते रहेंगे, जिंदगी आपका बीत जाएगा, वक्त आपका आने पर वो हाथ खड़े कर देगा जी। क्योंकि हम यही कहना चाहेंगे यहाँ के नौजवानों से, भाई आप खुद अपने आप को लीडर समझिए, आप खुद अपने आप को एक बड़ा नेता समझिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तभी ये लोग अपने टाइम पर आ पाएंगे, अपने वक्त पे कायम रहेंगे कि नहीं। नौजवान के साथ अगर आज हम अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो कल होके ये लोग नहीं साथ देने वाले हैं। आज हम दूसरे का झंडा धो रहे हैं, आज हम दूसरे के पीछे घूम रहे, क्या मेरे क्या मिला हमको, क्या आज क्या मिला? क्या क्या मिला? हम सब के पास हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, गिर गिराएं, लेकिन एक नौजवान का कोई सुनने वाला नहीं। जब आपके साथ चुनाव के काउंटिंग हॉल में कुछ हो रहा था, तो हो सकता है चीज़ें सही भी हो गलत भी हो, लेकिन जब आपने सीनियर लीडरों से मदद मांगी, तो कम से कम उन्हें उन लोगों को वहां पर आना चाहिए था। क्या पता आने के बाद जो पदाधिकारी थे उन्हें कुछ सोचने का मौका मिलता, या फिर सही चीज़ें आपके साथ हो सकता था, लेकिन कोई आए नहीं, जिसका आपको शायद दुख भी हो। देखिए, कोई नहीं आए, बस हम बोले ना, एक नौजवान ही एक नौजवान का मदद कर सकता है, एक दोस्त ही एक दोस्त का मदद कर सकता है। मेरे साथ आए मेरा करीबी साथी फैजान अहमद जिला पार्षद, मेरे साथ आए कोचाद अहमद से जिला पार्षद नासिक, बड़े भाई नासिक नदीर साहब। लेकिन क्या बड़े नेता लोग को नहीं चाहिए कि एक नौजवान के साथ गलत हो रहा है? वो लोग को चाहिए, लेकिन वो लोग कोई आगे बढ़ चढ़ के मदद नहीं किए। चाहे जिला परिषद नासिक नादिर साहब की बात करें या फिर फैजान साहब की बात करें, ये लोग इसलिए आए कि ये आपके नौजवान थे, साथी थे, एज ए लीडरशिप कहकर कोई लीडर आपके वहाँ सहयोग को नहीं आए जी। चलिए, हम यही कहेंगे कि हमारे साथी, हमारे भाई लोग जितना मुझे सपोर्ट किए, हमारे मकसद था जीरो बजट इलेक्शन, मैं पूरा किया, जीरो बजट इलेक्शन मुझे लोग वोट दिए, दुआ दिए, पैसे भी दिए, हर घर घर गांव गांव में जाकर के हर एक लोगों से मैं अपील किया, हर एक, आप नगर परिषद में रह रहे हैं, आपको 31 नंबर वार्ड से लेकर 34 नंबर वार्ड तक जाके देखिए स्थिति नगर परिषद का, आप नगर पंचायत आपका खूबसूरत नजर आएगा कि नगर परिषद आपका नजर नहीं आएगा, आपका रोड नाला का कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ इस कदर बेहाल है। तो मुझे मकसद था कि नगर परिषद को एक सौंदर्यकरण बनाना, एक ऐसा नगर परिषद को बनाना कि लोगों को एहसास हो जाए ना वाकई नगर परिषद है। आप जाके अररिया का नगर परिषद जाके देखिए, कटिहार का नगर परिषद जाके देखिए, पूर्णिया का नगर परिषद जाके देखिए, हर जगह का नगर परिषद आपको बेहतर दिखने को मिलेगा। लेकिन हमारे किशनगंज जो कि नगर परिषद है, हर चीज़ में लूट रहा है यहाँ पे, चाहे डस्टबिन का मामले में हो, चाहे होल्डिंग टैक्स का मामले में हो, हर चीज़ में, यानी गरीबों का जो है खून चूस रहा है ना, बस ये नगर परिषद खून चूसने वाला बन गया है। चलिए, जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, और जो हुआ उसे धीरे धीरे भूलना भी पड़ेगा। आगे की आपकी क्या रणनीति है और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग आपसे बहुत उम्मीदें रखे थे, उन्हें सोचा होगा कि अगर आप जीतते हैं तो बहुत सारी उम्मीदें रखी होगी, और चूंकि आप जीते नहीं हैं जी, और आपको जो भी हो, देखिए तो मैं क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ नगर परिषद के सारे जनताओं से, सारे मेरे माँ बहनों और भाइयों साथियों से, कि हम हारे नहीं हैं, मुझे हराया गया है, मैं यही कहूँगा। और आपके साथ मैं कल भी था जुड़ा हुआ, और आज भी हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ लोगों के पास, अपने माँ बहनों के पास, अपने साथी दोस्तों के पास, अभी भी दुआ लेता हूँ, अभी भी उनका समस्या को देखता हूँ। नगर परिषद में चाहे कोई सा भी मामला हो, चाहे कोई भी बात हो, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम उसका डट करके लड़ाई लड़ेंगे, और हर गरीब का इंसाफ इंशाल्लाह इम्तियाज नसर गरीब। 2023 का आगाज होने वाला है जी, और जो ही 24 आएगा तो हमें मौका मिलेगा कि हम किशनगंज का सांसद चुने जी। हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा जी, जो कि हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं जी, 2024 के लिए कौन सा वो चेहरा जो किशनगंज के लिए ठीक हो? देखिए, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा चेहरा ठीक होगा, लेकिन जब वक्त आएगा इंशाल्लाह नौजवान तय करेंगे। इस सवाल पे ये बचकर निकलना चाहते हैं, फिलहाल 2024 का वक्त है, जब 24 आएगा हम सब मिलकर मंथन करेंगे। और आखिरी सवाल इम्तियाज नसर साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि जनता के बीच जो लोग होते हैं और जो सच्चे मन से जनता की सेवा करना चाहते हैं,
पद उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, और आज आप हार गए हैं, हरा दिए गए, बड़ा दुर्भाग्य आपके साथ हुआ। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि वो लोग जिन्होंने आपसे उम्मीदें रखी थी, वो लोग जिन्होंने आपके लिए साथ लड़ा चला था, आपने कहा कि हम किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करें, लेकिन आपके लिए भी किसी ने किया होगा, उन लोगों के लिए क्या आप खड़े रह पाएंगे? देखिए, मैं जीत या हार वो फेंकने पड़ता है, मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ और नौजवानों से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक नौजवान के साथ इम्तियाज नसर खड़ा है, हर एक गरीब माँ बहनों के साथ इम्तियाज नसर खड़ा है। चाहे फैसला जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा अभी भी खड़ा हूँ, अभी भी मैं जाता हूँ, मैं आज भी जाता हूँ, रोज़ जाता हूँ मैं जनता के पास, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ एक सिला रह गया है कि मुझे जनता का सेवा करना। बस एक ही धर्म हम चुन लिए हैं कि लोगों को मदद करना, लोगों का हर एक समस्या देखना, लोगों के साथ पहुंचकर जो लोग बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पूंजीपति लोग नहीं जा पाते हैं, मैं एक बेटा के रूप में जा करके उस लोग का हालचाल लेता हूं और उस लोग से पूछता हूं, बोलिए इस बेटा को, इस बेटा आपके लिए क्या कर सकता है। और ये बेटा जाता है और ये भाई जाता है और अभी भी जाता है और हमेशा जाते रहेंगे। मेरा पद माने नहीं है कि मैं सत्ता में रहूँगा तभी जनता के बीच रहूँगा। लोग जानते हैं, जनता जानते हैं कि मेरे साथ क्या साजिश रची गई, बेहतर जानते हैं। मैं तो कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं हारा हूं, मैं यही कहूंगा कि मुझे हराया गया है। जनता भी बेहतर जानते हैं, आने वाला वक्त में सही फैसला हो जाएगा। जनता विपक्ष की एक अपनी अलग भूमिका होती है जी, जिस तरह सत्ता पक्ष का कार्य होता है विकास के कार्यों को धरातल पर उतारे, विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है कि उस पर नजर बनाए रखे। क्या एक मजबूत विपक्ष के का रोल किशनगंज को देखने को मिलेगा? एकदम मिलेगा। आपको विपक्ष का रोल ऐसा मिलेगा कि आपको एहसास नहीं होगा कि हम सत्ता में हैं कि नहीं है। लोगों को एहसास होने नहीं देंगे हम कि इम्तियाज हम लोग के बीच नहीं है। हम किसी भी गरीब के साथ, किसी भी नौजवान के साथ, जब तक इम्तियाज नसर जिंदा रहेगा, हम गलत होने नहीं देंगे। कहां से आता है इम्तियाज नसर को इतनी हिम्मत? बस ये नौजवानों की मोहब्बत है, गरीबों की मोहब्बत है, बस यही है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे निकला हूँ एक मोहब्बत के सफ़र में। मैं यकीन दिला देना चाहता हूँ कि चाहे मेरे इसके लिए जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे धमकियाँ भी आ रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ा जिगर चाहिए ऑन द कैमरा इस तरह बोलना कि पदाधिकारी बिके हुए हैं। हाँ, या वो बिक गए थे, कहाँ से आता है ये? देखिए, ये बस बोले तो पीछे कौन सी ताकत खड़ी है? देखिए, पीछे मेरी ताकत एक ही है कि हमारे माँ बहनों का दुआ, मेरे नौजवानों का साथ और नगर परिषद में जितने जनता है सब मुझसे अपने बेटा और अपने भाई के रूप में मानते हैं। इससे बड़ी कुछ दौलत नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई पद नहीं हो सकता है। बस हम यही कहना चाहेंगे, नगर परिषद में चाहे कोई भी मामला हो, अगर सबसे पहले खड़ा होगा तो वो इम्तियाज नसर होगा। बस चलिए, आपने केडीबी लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका हम आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे पहली बार केडीबी लाइव में मौका मिला, और मैं चाहूँगा कि मुझे मौका मिले और भी आने का, और आप लोगों से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए और सभी जनताओं को मैं नया साल का बधाई देना चाहता हूं कि आप 2022 जाने वाला है और 2023 में आप लोग नई खुशियां मनाइए और परिवार को खुश रखिए, अपने माँ बापों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये थे इम्तियाज नसर साहब, जो कि किशनगंज से चेयरमैन पद के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे। इनके साथ चुनाव में जो हुआ वो आपसे हमसे छुपी हुई नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक आपसे विदा लेते हैं और आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और Facebook पेज में देख रहे हैं तो शेयर करें, फॉलो करें। क्या राय रखते हैं इम्तियाज नसर साहब के सवालों से, कितना हद तक सहमत है आप अपना राय जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।